या माय आंसर इज दैट यस, हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स वर इस्केमिक हार्ट डिजीज, बट वी हैव आल्सो इंक्लूडेड वेल्वुलर हार्ट डिजीज, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज एंड डायबिटिक डिजीजेस विदाउट एनी क्लिनिकल साइंस ऑफ हार्ट फेलियर और एनीथिंग. सो बट आई एग्री विद यू के वो इतनी वैरायटी हम नहीं दे सकते थे क्योंकि इतनी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती थी. कमिंग टू द वर्चुअल, वर्चुअल में हमें एक लिवरेज ये है कि हम आउटसाइड द रूटीन जो पेशेंट्स आपके हैं, वी कैन ब्रिंग इन SVTs, वी कैन ब्रिंग इन यू सी पॉट्स, वी कैन ब्रिंग इन ए नंबर ऑफ यू सी डिजीजेस व्हिच अदरवाइज वर इग्नोर्ड और मिस्ड. That will be again a bit of shock for the candidates, but it's going to happen. And again, the candidates should be ready for such surprises that we include. मगर कोशिश ये की जाएगी कि major ऐसे cases ज़्यादा दिए जाएं जो कि garden variety है, जिस पे pass हो सकते हैं. जो मुश्किल cases वही होंगे जिस पे you are asking for extra marks. Nobody is going to fail on those, but they can make some credit for themselves. But majority of the patients will again remain ischemic heart disease, valvular heart disease, arrhythmias, heart failure, pericardial disease, myopathies, and so on and so forth. Yes, can I may I ask something? Yes, sir, Dr. Zubair, go ahead. जी आपने सही बात की कि ऑब्वियसली जिस तरह साहब साहब ने कहा कि ऑब्वियसली वी वर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ केसेस फॉर लॉन्ग केसेस यू नो, और उसमें मैक्सिमम हम वैसे भी इसकी में कार्डियोलॉजी इसलिए क्योंकि फॉर एवरी एफएसएस कार्डियोलॉजी पासिंग आउट वो अगले दिन ही एक इंटरवेंशनलिस्ट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का लेबल अपने साथ लगाता है. तो वी वॉन्टेड कि उनकी इनसाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए बिफोर द पास एफएसएस कार्डियोलॉजी एग्जाम, एंड वी शुड बी नोइंग कि दे आर गुड इंटरवेंशनलिस्ट एज वेल, ताकि ना सिर्फ ये कि उन्हें इंटरवेंशन करनी है बल्कि उन्हें सीडीज देख के अपने क्लासमेट डिसीजंस भी देने हैं. और वी वांटेड देम टू बी अ सेफ डिसीजन मेकर एंड फॉलोड बाय अ गुड ऑपरेटर. बट जिस तरह आपने कहा कि ऑब्वियसली द ट्रिक इज देयर कि अब हमारे पास वर्चुअलिटी के साथ हम पेशेंट डिपेंडेंस खत्म हो गई है, एंड यू नो सिर्फ आपको आप सिर्फ एक ही जिस तरह साहब साहब के सामने मैं एक्सपोज करूँ कि जी अगर हम सिर्फ के लेट्स से के फाइव गिविंग अ वर्चुअल पेशेंट दैट अ पेशेंट ऑफ 53 years presenting with palpitations. अब वो palpitations जो है ना वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा insight and you know कोई एक scenario build करके we can ask you know उसके अंदर arrhythmia आ सकते हैं all that. इसी तरह patient young patient or whatsoever presenting with syncope. So you know syncope का scenario मान लियो open है, palpitations with arrhythmias का scenario open है, dyspnea के अंदर obviously it may be a ischemic heart disease symptom जो है ना equivalent or it may be a cardiomyopathy or whatsoever. You know so obviously स्पेक्ट्रम एक तो बढ़ेगा. दूसरी बात है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले आपको आधा घंटा क्लिनिकल के लिए मिलता था लॉन्ग केस में, लेट से कि आप एक घंटा अगर आपको है तो वो एक घंटा आपके वाइवा के लिए, सो यू विल बी थरली एक्सप्लोर्ड. तो थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको अपनी थ्योरी को ये टाइम जो आपको मिल रहा है थ्योरी को अच्छी तरह रिवाइज कर लें, गाइडलाइंस देख लें, और बिल्कुल आपको इस वक्त थ्योरेटिकल नॉलेज क्योंकि वर्चुअलिटी में मेरा ख्याल है द ट्रिक इज कि आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज और अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट गाइडलाइंस एंड द ट्रायल्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू विल बी थरली आस्क्ड. वो आपका जो क्लिनिकल का टाइम है वो भी इधर ही यूज हो जाएगा. और दूसरी चीज है कि जो आप सिर्फ इस्केमिक हार्ट डिजीज पे फोकस करते थे उसके अलावा आपको ईपी पे आप बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में फोकस करना पड़ेगा क्योंकि सिम्टम ऑफ अ पल्पिटेशन जो है उससे आप देखें कितने ज्यादा गेटवेज खुल जाएंगे. आपसे पूछेगा व्हाट अदर इन्वेस्टिगेशन यू आस्क ईसीजी और व्हाट से यू नो एंड देन यू मे बी एंटरिंग इट ऑल टुगेदर. बट साहब साहब वाली बात जो है वो भी ट्रू है कि वी ट्राई टू बी वेरी फेयर, वी डोंट वांट. सबसे पहली बात है मैं लाहौर सेंटर के मेरे और साहब साहब कराची सेंटर के, हम नहीं चाहते कि एक पेशेंट को अगर इसकी एक कैंडिडेट को इसकी में हार्ट डिजीज मिला और दूसरे को इतना मुश्किल मैं कोई ईपी का केस दे दूं कि वो अपने आप को फील करे कि यार ये मेरे साथ ज्यादा होगी. सो यू नो एक पार इक्विवेलेंस जो है वो उसको आप डेफिनेटली देखते हैं कि वो इतना जरा डिफिकल्ट ना हो जाए. और जनरली एक मयार जो है जो आपकी को
मुश्किल का वो सब केसेस के लिए बराबर हो, ये ना हो कि एक केस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए एक वो, प्लस हम एग्जामिनर्स को भी उसका शफल कर लेते हैं कि ये ना, ताकि एक एग्जामिनर्स का भी हम देख लेते हैं कि वो किस केस पे कौन सा एग्जामिनर बेस्ट सूट करेगा, बट डेफिनेटली आपको यू नीड टू वर्क वर्स विद द थ्योरी, थ्योरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्लिनिक और आपके जो ट्रायल्स और गाइडलाइंस, आई थिंक इसमें वर्चुअलिटी में आपको इस चीज के ऊपर बहुत तवज्जो देनी है अगले दो महीने में. I think inshallah we'll be there with you once they finalize the program, because I have got a lot of comments regarding mock examination. So inshallah the big centers, certainly Karachi, yes, Lahore, Peshawar, Islamabad, there will suggest us faculty that will make the faculty much oriented about it as well. And since you don't need patients for it, so doing mock of a virtual examination is a bit easy as compared to one of conventional mock. So inshallah, yeah, I am promising inshallah, even if it can't be done in center, we'll do a virtual mock of a virtual exam. So do, yes, it virtually like that as we are doing here. Someone is sitting as a candidate and we have examiners with us. They will be examining that candidate virtually. So you got the fair amount of idea how this exam, but certainly once it's finalize, then we'll try to bring that mock pattern as well. मैं इसमें आपको suggestion देता हूँ कि जो जैसे short cases का हम decide साथ साथ कर लेते हैं ना, long case तो ऐसे ही होगा जिस तरह मैंने आपको दिखा दिया. सही. You know, it will be just like that. Short cases का जैसे decide कर लेते हैं और later और नई insights आती हैं about the new system, I'll request the Farmingo people to come back with us for another session sooner. Number eight. तो उससे ये है कि हम आपको एग्जैक्टली बता सकेंगे कि व्हाट वी हैव फाइनली डिसाइडेड और किस तरह फाइनल शॉर्ट केसेस वाइज जा रहा है. और अगली चीज है वो मॉक, जो आपने मॉक्स का कहा है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में. इट शुड बी हर इंस्टीट्यूट का, बड़े इंस्टीट्यूट का एक ये एक एथिकल ड्यूटी मेरे ख्याल में होगी फॉर द सीनियर एग्जामिनर्स के अपने रेजिडेंट्स को मॉक एग्जामिनेशन में लाएं ताकि उनकी ओरिएंटेशन हो और साथ ही साथ एग्जामिनर्स की भी ओरिएंटेशन होगी. यू नो लूपहोल्स, हमें लूपहोल्स इस नए सिस्टम में आप पता चलेंगे कि किधर क्या. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि व्हेनेवर वी सिट आप भी फवाद एग्जामिनर साथ साथ भी, तो एक हमें ना की एक गाइडलाइन मिलती है कि इस चीज की ग्रेडिंग कि ग्रेडिंग किस तरह करनी है. एटलीस्ट वी विल बी मोर वेल वर्स्ट वे एंड वी विल बी एबल टू गाइड द सीपीएसपी के लिए, अगर हम वर्चुअल लेकर जा रहे हैं तो किस चीज की कितनी ग्रेडिंग रखनी है मार्क्स की, ताकि यू नो क्योंकि आपको पता है व्हेन यू गिव मार्क्स तो एक पूरा सेट पैटर्न होता है जो सीपीएसपी आपको देता है. इसके इतने मार्क्स होंगे, इसके इतने मार्क्स होंगे, इतने, तो आई थिंक दैट विल हेल्प अस मॉक्स. इट्स अ गुड. यस डॉक्टर इसहाक, वांट टू ऐड समथिंग? यस डॉक्टर इसहाक जी, थैंक यू वेरी मच. मॉक बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, बट मॉक के अंदर बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि मॉक ऐसा कंडक्ट किया जाए जो कि एग्जाम कैंडिडेट को हेल्प तो जरूर करे, लेकिन कैंडिडेट को वो एग्जामिनेशन के लीकेज में ना आए. आप समझ मेरी बात? जब हम इंग्लैंड में थे, एमआरसीपी के एग्जाम कर रहे थे, तो तीन चार एग्जामिनर्स को रॉयल कॉलेज ने बैन कर दिया था फ्रॉम कंडक्टिंग मॉक एग्जामिनेशन, बिकॉज व्हेन वी कंडक्टेड द मॉक एग्जामिनेशन दे वर रिवीलिंग थिंग्स दैट दे शुड नॉट हैव, और वो भी एग्जाम का एक किस्म का. वो तो मॉक एग्जामिनेशन इज बेसिकली टू ट्रेन देम कि ये होता इस तरह का होता है, लेकिन ये इम्तिहान होता है यही चीज वो नहीं होती. इसलिए इसमें एग्जामिनर जो हैं या जो फैकल्टी है उसकी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि एक तरफ तो वो ट्रेन करे और दूसरी तरफ वो उसको बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखे कि एग्जाम एग्जाम रहे और ट्रेनिंग अपनी जगह ट्रेनिंग रहे. देखिए बात ये है सर, आप जैसे लोगों का इसीलिए तो जरूरी है सर ये गोल्डन पर्ल्स देने के लिए. हाँ देखिए बात ये है कि अंग्रेजों से हमने एक बात सीखी है कि अंग्रेज कहते हैं कि आप कैरेट जरूर दें लेकिन स्टिक के साथ दें, स्टिक अपने साथ रखें. तो कहने का मकसद ये है कि मॉक एग्जामिनेशन शुड बी टू टेल देम कि भाई होता क्या है, सही, हाउ इट इज कंडक्टेड, और होना क्या है ये नहीं बताना है. तो ये जियो फेलो था, यूज टू कंडक्ट कोर्सेज फॉर एमआरसीपी इन ऑक्सफोर्ड एंड अदर प्लेसेस एंड वाज वेरी वेरी पॉपुलर.
एंड बट वट ही वॉज डूइंग इज ही वॉज एक्चुअली टेलिंग द पीपल के इम्तिहान में ये पूछते हैं. अच्छा. एंड देन द कॉलेज बैंड हिम एंड इवन बैंड हिज बुक. आई ब्रॉट हिज बुक विद मी. वो एक शानदार किताब है ऑन क्लिनिकल साइंस एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स. बड़ी जबरदस्त किताब है. सही, तो, सही सर. तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई पेपर बन जाए या मेरे पर या जुबैर साहब पर. मैं खुद जो है ना के, जी सर डॉक्टर जुबैर जी. डॉक्टर जुबैर यू वांट टू ऐड समथिंग. आई थिंक ही इज नॉट गेटिंग योर वॉइस. डॉक्टर जुबैर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? यू कैन ऐड ऑन. आई थिंक देयर इज सम कम्युनिकेशन एरर. सर मैं अपने तौर पे ये पूरे 3 साल की ट्रेनिंग में ना अपने हर कैंडिडेट को एक एक चीज ये समझाते हुए बता रहा होता हूँ कि इस तरह आना है, इस तरह आना है. एंड दे ऑलवेज से मी अ वेरी हार्ड एग्जामिनर इन एग्जामिनेशन बिकॉज देयर आई एम ऑन अदर साइड. मैंने अपने 3 साल में तुम्हें सब कुछ बता दिया कि ये करना है, इस तरह करना है, उस तरह करना है, लेकिन नाउ आई एम टेस्टिंग यू फॉर पेशेंट्स. देखिए फवाद, मैं आपको एक बात बताऊं, जो कैंडिडेट्स है ना, अगर मैं भी कैंडिडेट हूंगा ना, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मुझे बता दिया जाए कि पूछ रहे क्या आपने, क्या है. बिल्कुल बिल्कुल. ये उनका प्रॉब्लम है. और पूछने के साथ साथ जहन में एक ये होता है कि मेरी गलती पे भी मुझे छोड़ दिया जाए. अच्छा, ये ऑनेस्टी के खिलाफ है. हमदर्दी मेरी हमेशा हर के साथ होती है कि अल्लाह करे ये पास हो जाए, लेकिन हमदर्दी के साथ इंसाफ भी जरूरी है. हमदर्दी और इंसाफ, ये दोनों बड़ा एग्जामिनर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. To be examiner is a speciality. बिल्कुल सर. To become examiner is a speciality because you should know the methodology of assessment of a person's fitness to become a physician. बिल्कुल सर. You are bringing him a certification to deal patient independently. तो एक बहुत बड़ी responsibility आपके कंधों पर होती है. आप उसको lessons दे रहे होते हैं कि वो market में जाएगा and he will treat and he should be safe. I think Dr. Zubair is back with us. Sir, आप कुछ कहना चाह रहे थे? You can unmute your mic. आपका mic mute नजर आ रहा है. Sir, just unmute your mic. I'll do it for him. जी yes. बात मैं आपको ये बता रहा था कि you know even the past जो examination system है, you know Punjab Institute of Pathology में खास तौर पर जो mocks उधर होते थे, and we would assign the examiners won't go there. क्योंकि इस वक्त सारा देयर इज नो कॉग्निटिव, वो जो स्किल्स हैं आपके एग्जामिनेशन हिस्ट्री टेकिंग जिसके लिए हाफ द वेटेज होती थी, वो तो अब है ही नहीं. अब इट्स ऑल थ्योरी. It will be difficult for the examiners to conduct mocks. Most sare wo jiska na paper leak ho jane wali baat hogi. I think maybe the senior registrar level pe jo hai jiska PhD mein hota tha, we can request, the candidates can request their, you know, senior registrars ke wo ek hypothetically jo hai wo aap unko taiyar kara de virtual patients taaki ek unka. It's not about, you know, sabse badi baat hoti hai aapka jo patient candidate jo aake baithta hai uska, wo is so, you know, anxious so much. वो उनके साथ senior registrars के बैठेगा, एक system of examinations के साथ anxiety level उनका घटेगा, और at least थोड़ी सी orientation होगी, and the senior registrars should be smart enough to take. So sir, we are coming to almost end of this webinar. There are some just, questions. Yeah, Hashim, yes, if you can add on, just add on quickly those questions. बिल्कुल. Students की suggestion ये है कि we have already gone through theory part of exam. So yeah. This virtual exam should be conducted in that way. कि ये सिर्फ हमारी theoretical, the aim of this exam is to judge clinical knowledge. So it should be considered that it should be more clinical rather than you discuss theory. That they have already passed or gone through. It will be clinical. It will actually be clinical. Hashim, ये जो Hashim इतनी ज़्यादा time लग रहा है इसको बनाने में, अगर वो theory की तरह ही होना होता ना, तो एक हफ्ते में बन के तैयार होता और आप exam दे रहे होते. ये जो इतना बिचारे examiners mind scratch कर रहे हैं, ये सारा इसीलिए, to make a simulation of short and long and virtual, and this is an era that it's impossible to do patients. तो सेटी आप उस बैकग्राउंड में आशिफ
आशिम क्लिनिकल में वो कहते हैं ना आई सी व्हाट द माइंड नोज, और मसला ये है कि आपकी अगर थ्योरी स्ट्रांग होगी तो आपके क्लिनिकल भी स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल, अब वो असल चीज ये है कि जो हम लेट्स से एक इस्केमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है और ऑब्वियसली एंजियोग्राफी सामने आ गई है, हाउवर्ड जो बैरी दैट इज टोटली क्लिनिकल, बट ऑब्वियसली उसके लिए जब गाइडेंस हम लेंगे और उसके साथ सारा कुछ पूछेंगे तो वहां थ्योरी, अगर थ्योरी आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो क्लिनिकल आप उसको कर ही नहीं सकते। So, सिर्फ हमने जो एक्चुअली दैट इज द फीडबैक मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना मर्जी ये कह दें हम थ्योरी का पेपर देख के आगे हैं, वो जब हम देखते हैं वहां उनका जो व्यवहार होता है तो क्लिनिकल में ही वो बट्टा बैठ जाता है, उनका थ्योरी में ही बैठ जाता है खासा बहुत, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप उनसे फिर थ्योरी पूछे तो इट लुक्स कि उनमें थ्योरी में दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, क्योंकि आप व्यवहार जो है वो तो आप उससे रिलेटेड क्लिनिकल का थ्योरेटिकल चीज पूछते हैं ना, या गाइडलाइंस पूछते हैं या लेटेस्ट अपडेट्स ट्रायल्स आप पूछते हैं। हाशिम मैंने देख लिए हैं ऑलमोस्ट सारा वो चैट बॉक्स ना, तो आई थिंक बट वी कैन डू, वी कैन टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम दिस फैकल्टी, एक्चुअली डॉक्टर बशीर हैव टू लीव फॉर सम फिनेलियर, एक्चुअली वी कैन हैव अनदर मीटिंग एंड इन बिटवीन वी कैन गैदर ऑल द क्वेरीज एंड दैट मीटिंग विल बी टोटली इंटरैक्टिव, इट विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेरीज वंस द थिंग्स आर फाइनलाइज्ड। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मीट आफ्टर 2-3 वीक्स व्हेन द थिंग्स आर फाइनलाइज्ड and the era between that finalization and preparation, so we'll meet at that moment and discuss all the queries. In the meanwhile, I'll thank Hamivo as well, initiative to do these all things. In the meantime, Fawad, in the meantime you'll have more time for other webinars and the break, and then we will get together again. I think that's very important. Hashim has said, I just want to make a comment. Beta, baat ye hai ki clinical mein jab examiners aate hai na, unko theory koi nahi aati. Bilkul. Wo apne practical experience se chal. Wo theory padh ke nahi aate. Theory ka exam aapne liya hota hai, wo hum ki bana ke usko dekh ke aapka wo karte hain. Ab hame 30 saal pehle ki cheeze padhi hui hame yaad nahi hai. Sahi. But aap se poochte hain. So it will be a clinical examination. Rest assured, और इसी की सब तैयारी हो रही है, और ये मैं आपको बताऊं कि ये इट इज नॉट इजी टास्क, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। वैसे अगर हम बना के कहें कि चलो यार बस शुरू कर दो, जो पास होता है पास और फेल है वो तो बहुत आसान है, लेकिन टू मेक इट फेयर एंड टू मेक इट ट्रांजिशन फ्रॉम वन टू अनदर एंड आई थिंक इट्स अ बिग टास्क। इंशाल्लाह जब हो जाए फवाद विल ऑर्गेनाइज, और उसमें हमने बात नहीं करनी, फवाद विल टेक अ क्वेश्चन एंड फ्लोर ऑन द on the panel. Okay. Yes, sir. So if you don't mind, I'll take your leave. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Zubair. Final comments, and then we'll end the webinar. Final comments. Thank you, Mrs. Farmigo and Fawad and Misak sir and Bashir sir, to be with us. And obviously, this was more than needed for the candidates appearing. So, कुछ चीजें तो मैं आपको बता दूँ, कुछ एक unfortunate चीज ये है कि obviously delay हुआ, जो candidates का feedback मुझे मिल रहा है। मुझे मिल रहा है कि सर इतने महीनों से हम घर बैठे हैं और ऑब्वियसली थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो गए, सो प्लीज गो बैक टू योर वार्ड्स इफ यू आर स्टिल देयर। पीजी पंजाब में तो यह कि उसके बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, बट रिफ्रेश योर थ्योरी और आपस में आप अपने कलीग्स के साथ डिस्कस करें, और उसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार्स को लेके आप उसके साथ को वर्चुअल की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लें, और ऑब्वियसली उनके एक हाइपोथेटिकल सा केस लेके आप उसका डिस्कस कर सकते हैं। अगली चीज ये है कि इंशाल्लाह ताला क्लिनिकल एग्जाम इज लाइकली टू बी विद इन नेक्स्ट 1.5 to 2 months। अभी तक जो एक बिल्कुल एम्बिग्विटी थी वो खत्म होनी चाहिए, और अगले एग्जाम के साथ ये नहीं मिक्स हो रहा, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर हमारा गेस है, बट ऑब्वियसली स्टिल इट्स नॉट 100%। और जैसे ही आपका लॉन्ग केसेस का आपको बता दिया मैंने पैटर्न, के टोक्स का आपको बता दिया वैसे ही होंगे, लॉन्ग केस का पैटर्न मैंने बता दिया, यू कैन प्रैक्टिस। शॉर्ट केसेस का आपको हिंट दिया, बट वी आर नॉट 100% अभी तक उसको प्रिपेयर नहीं किया, जैसे ही हुआ विल गेट बैक टू यू एंड गेट फोकस्ड फॉर योर एग्जाम, इट्स अप्रोचिंग सून। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर जुबैर फॉर दिस जेनरस टाइम यू हैव गिवन फॉर दिस वेबिनार, इट मे ब्रिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन द माइंड ऑफ द कैंडिडेट्स, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस स्टिल देयर, बट विद दिस प्रॉमिस दैट वी विल मीट अगेन, we'll take that inshallah. Questions inshallah in that setting. I'm sorry to the candidates, whoever these questions still abhi chat box mein nazar aa rahe hain, so we'll gather all those questions
Don't worry. Next time, inshallah, next time we'll address all the question and other new thinkings, whatever coming into your mind in between, you can convey to Farmivo representative or Hashim or me as well. We'll all. So thank you all for being there. Almost 150 participants remained there for 1.5 hours. That's very rare happen in web meetings. So thank you, Professor Zubair. It's because of you people, you were there. That's why these all were connected. Otherwise, hum karte hain, 100 pe jata hai, touch karke, aur fir wapas aa jata hai. So thank you, sir, all. Thank you all. That is it.